नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश बढ़ के नेताजी। जीत रहे हैं या हार, नतीजा बदलेगा विचार। वीवीआईपी उम्मीदवार, किसका जमा रंग, कौन हार से दंग। ओपिनियन पोल, वोटर की बोली है, बुरा न मानो होली है। सर्वे में रंग बरसे, किसकी झोली भरी, कौन वोट को तरसे, वीआईपी सीट की होली, गारंटी वाला ओपिनियन पोल। मैं हूं निशांत चतुर्वेदी। होली का त्योहार है, चुनाव का माहौल है और हम भी हाजिर हैं सबसे नया सबसे अनोखा सर्वे लेकर। वीआईपी वीवीआईपी सीट्स का सर्वे। वो उम्मीदवार जो सामान नहीं है, लीडर है, जो देश की दिशा तय करते हैं, जिनके पीछे पार्टी चलती है। आखिरी उनकी उनके लिए ये होली पर कौन सी खबर आई है, उनकी सीट का ओपिनियन पोल क्या कहता है, ये सर्वे आपको चौंकाएगा जरूर। तो चलिए शुरू करते हैं वीआईपी सीट की होली, गारंटी वाला ओपिनियन पोल। लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं इसकी मेथोलॉजी क्या है, मतलब इसका किस तरीके से ये सर्वे किया गया है। TV9 पीपल्स इनसाइट पोल स्ट्रैट का ये सर्वे, करीब 20 लाख लोगों का सैंपल साइज, IVR के जरिए लोगों की राय ली गई, रैंडम नंबर जनरेटर के जरिए कॉल। लोकसभा की 543 सीट पर सर्वे किया गया, लोकसभा सीट के अंतर्गत आने वाली हर विधानसभा सीट से सैंपल लिया गया, 4123 विधानसभा सीट से सैंपल लिया गया, 15 फरवरी से 15 मार्च तक का सैंपल लिया गया है। बड़ा लेटेस्ट है ये। हमारे साथ इस वक्त जो हमारे खास मेहमान जो जुड़ चुके हैं वो ये हैं, हमारे साथ हैं शिवम त्यागी जी, प्रवक्ता बीजेपी के, आपका स्वागत है। मेरे साथ आपको ठीक उनके बगल में शंभुनाथ जी दिखाई दे रहे हैं, आपका भी स्वागत है। मेरे साथ हैं रामकृपाल जी, आपका भी स्वागत है। और मेरे साथ हैं शिव पोल स्टार्ट से, जो ये सारा आंकड़ा लेकर आपके सामने आए हैं। सबसे पहले बात देश की सबसे हॉट सीट वाराणसी की, जहां से पीएम मोदी तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं। आइए यहां पर क्या चल रहा है ये देखते हैं। सबसे पहले ये देखिए, बीजेपी 68.75%, इंडिया या जिसको एनडीए वाले इंडी कहते हैं 18.04%, वोट दे रही है 9.01%। ये है हमारा पोल स्ट्रैट और पीपल्स इनसाइट का और TV9 का ओपिनियन पोल। ये देखिए, ये सबसे पहले अब यहां पर क्रूजिंग विक्ट्री दिखाई दे रही है हमारे ओपिनियन पोल के नाम। अब आपको बताते हैं गांधीनगर का क्या हाल है, जहां से गृहमंत्री उम्मीदवार है, गृहमंत्री अमित शाह। बीजेपी 75.14%, कांग्रेस 15.50%, जो तय नहीं है वो 7.81%। ये दो सीटों पर आपने आकलन देखा, ओपिनियन पोल देखा। अब बात केरल के वायनाड की, जहां से राहुल गांधी दूसरी बार उम्मीदवार है, पिछली बार बहुत बड़े नंबर्स थे, इस बार कांग्रेस 46.71%, सीपीआई 19.96%, वोट तय नहीं है 13.82%। लेकिन अब वो सीट जो जा चुकी है राहुल जी की, उसकी बात करते हैं। अमेठी का समीकरण क्या कहता है, जहां से स्मृति ईरानी जी एक बार फिर से मैदान में है। नंबर्स देखिए, बीजेपी 45.67%, इंडिया 33.84%, जो अभी तक तय नहीं है वो है 10.87%। अब एक और हाई प्रोफाइल सीट, जहां से हमारे रक्षा मंत्री, यानी अब आपको लेकर चलते हैं लखनऊ, वहां का सियासी मिजाज क्या है। राजनाथ सिंह जी तीसरी बार चुनावी मैदान में है, बीजेपी 64.89%, एसपी 22.15%, जो वोट तय नहीं है वो 9.3% है। अब जो है वो जरा ध्यान से देखेगा, आपको हम बताते हैं छत्तीसगढ़ की राजनांदगांव सीट का क्या समीकरण है, जहां से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल उम्मीदवार हैं। ध्यान से देखिए, बीजेपी 55.51%, कांग्रेस 33.39%, ये हमारा ओपिनियन पोल है, वोट तय नहीं है 11.10%। यानी कि इस ओपिनियन पोल के मुताबिक भूपेश बघेल जो है वो हार रहे हैं, ये ओपिनियन पोल के मुताबिक। अब एक और सीट जिसमें बड़ा मुकाबला कैसा होगा अब देखते हैं, ट्रायंगुलर है क्या है कैसा है, और खासकर जो अभी डेवलपमेंट हुआ है दिल्ली में उसके बाद।
ये देखिए नई दिल्ली सीट का सर्वे, जहां इस बार सुषमा स्वराज की बेटी है मासुरी स्वराज और आम आदमी पार्टी के सोमनाथ भारती इनमें टक्कर है। लेकिन यह देखिए 15 मार्च तक का सर्वे, उससे उसके बाद में स्थिति दिल्ली की पूरी बदली है। अभी तक के जो हालात हैं, बांसुरी स्वराज बीजेपी 50.83%, दिल्ली की स्थिति बदली है। लेकिन क्या वो ओपिनियन पोल में बदलेगा, यह जानने की कोशिश करेंगे। और इसके साथ आम आदमी पार्टी 37.71% और यहां पर जो तय नहीं है वो है 11.46%। हमारे साथ हमारे खास मेहमान मौजूद हैं। सबसे पहले एक क्विक रिएक्शन शिवम जी से मैं लेना चाहूंगा। शिवम जी, आप नई दिल्ली सीट हमारे सर्वे में भी करीब डिफरेंस 13% के आसपास का है, 12% के आसपास। क्या आपको लगता है जो दिल्ली में डेवलपमेंट हुए हैं उसके बाद एक सिंपैथी वेव आम आदमी पार्टी के लिए टिल्ट करेगी? शार्प एंड क्विक रिएक्शन शिवम जी। नहीं, हाँ मैं मानता हूँ कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से स्थितियाँ बदली हैं उसके बाद हमारी जो कैंडिडेट हैं वो और मजबूत होंगे और बांसुरी स्वराज का जो परफॉर्मेंस होगा, जो 12% का आप दिखा रहे हैं एज, ये बढ़कर और अप्रॉक्सीमेटली 20-22% होगा। उसका रीज़न है क्योंकि जनता जिस तरीके से धीरे धीरे समझ रही है और जिस तरीके से लोगों को समझ में आ रहा है और सारी चीज़ें आजकल मुझे लगता है कि डिजिटल ज़माना है तो बहुत ज़्यादा समय लोगों को समझने में लगता नहीं है। एक जो छवि बनाई हुई थी आम आदमी ईमानदार आदमी की वो धूमिल हो चुकी है। ठीक है, अब आपका ये कहना है कि इसका एडवांटेज होगा, इस सीट का अंक गणित क्या कहता है?